अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आज की वीडियो में मैं आपको वेरिएबल रजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, रजिस्टर करंट को लिमिट करता है और वोल्टेज को ड्रॉप करता है, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है अपोजिशन टू करंट इज कॉल्ड रजिस्टर। दोस्तों, ये मेरे पास एक रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है 50 किलो ओम है, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो 50 किलो ओम है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मीटर से चेक करा के मैं दिखाऊंगा कि इसके कौन कौन से पॉइंट हमने कनेक्ट करने होते हैं और इसके कौन से पॉइंट वेरिएबल होते हैं और कौन से फिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल होता है वेरिएबल रजिस्टर का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम मीटर को ऑन करते हैं। दोस्तों, ये देखिए मीटर को, मैं मेरे पास 50K का रजिस्टर है वेरिएबल, तो मैं मीटर को 200K पर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं मीटर को ऑन कर दूंगा। सही है दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पास इस वेरिएबल रजिस्टर की तीन पॉइंट है, तीन टर्मिनल है इसके। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल रजिस्टर में हमारे पास जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ये कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम राइट साइड पे लगा दें या लेफ्ट पे लगा दें, ये पॉइंट हमारा वेरिएबल होता है, मतलब इसको जब हम वेरी करते हैं तो ये हमारा वेरिएबल होता है, कम ज़्यादा होता है। और इसके जो लास्ट वाले पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अगर इसको हमने कनेक्ट करना है तो ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ दोस्तों, ये देखें, ये मैंने इस पहले पॉइंट पर लगा दिया और लास्ट वाले पॉइंट पर लगा दिया। दोस्तों, ये देखिए मेरे पास 45 ओम आ रहा है। अब इसको मैं वेरी कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, इसको मैं वेरी कर दिया। दोस्तों, देखिए मेरे पास वही 45 है, इसको मैंने ज़्यादा वेरी कर दिया और ये देखिए दोस्तों, मेरे पास वही 45 ओम है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट मेरे पास फिक्स है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं वेरिएबल वाले पॉइंट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए मेरे पास, ये देखिए, ये 84। दोस्तों, ये कि मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ इसको। दोस्तों, ये देखिए, ये अभी मेरे पास 50 ओम है, 50 किलो ओम है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी ये मेरे पास ज़ीरो हो गया, ये देखिए ये ज़ीरो। दोस्तों, इसको मैं वेरी कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसको मैं वेरी कर रहा हूँ साथ साथ। दोस्तों, ये देखिए मेरे पास 12 हो गया, इसको मैं और वेरी कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास 25 हो गया, इसको मैं और वेरी कर रहा हूँ। ये मेरे पास 38K हो गया दोस्तों, ये मैंने फुल कर दिया, तो ये मेरे पास 45, 46। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास 44K हो गया। तो इस तरह ये मेरे पास ये वेरिएबल पॉइंट है दो। दोस्तों, इस तरह अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इन दोनों पॉइंटों को, दोस्तों ये देखें, ये भी मेरे पास अभी ज़ीरो है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं वेरी करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसकी अपोजिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं इस साइड पे वेरी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 28K हो गया, ये देखिए ये 40K हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये मेरे पास 39K हो गया। अब इसको मैं फुल क्लॉकवाइज करता हूँ, तो ये मेरे पास 46 किलो ओम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम वेरिएबल के पॉइंट को चेक करते हैं और इसको हम सर्किट से के साथ उस तरह कनेक्ट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरे पास 40K है और ये मेरे पास ज़ीरो है, इसका मतलब ये दोनों मेरे पास वेरिएबल पॉइंट है, ये मेरे पास कॉमन पॉइंट है। इसको अगर इसके साथ लगा दें, कनेक्ट कर लें, या इन दोनों को कनेक्ट कर लें, ये दोनों पॉइंट भी वेरिएबल है और ये दोनों पॉइंट भी वेरिएबल है, और ये लास्ट सबसे पहला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में फिक्स है, ये फिक्स। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हमने वैल्यू चेंज करनी है, हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो हम इन दो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे या इन दो पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू होती है उसके मुताबिक इसको हम सेट करते हैं, तब जाके हमारा सर्किट काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा वेरिएबल रजिस्टर काम करता है। ये देखिए,
50 के इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।